आयरन हर्ट तो जल्दी ही डिज्नी प्लस पे आने वाली है, जिसकी डिमांड शायद ही किसी ने की हो। पर इसके अनाउंसमेंट से पहले कुछ रूमर्स आ रहे थे कि आयरन मैन 3 वाला बच्चा ही आयरन लैड बनके एमसीयू में वापस आने वाला है। पर असल में आयरन लैड का रिश्ता टोनी स्टार्क से नहीं, बल्कि उसका रिश्ता अपने कैंग से है। तो कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो हमें कैंग डायनेस्टी मूवी में देखने को मिल सकते हैं, मगर प्रोबेबली सारे के सारे विलन्स होंगे एक को छोड़कर जो सुपर हीरो होगा। तो इस स्टोरी में जब नथानियल स्कूल में बुली हो रहा था तो उसका फ्यूचर वर्जन कैंग उसे बचा लेता है ताकि उसे आगे चल के अपने जैसे कॉन्करर में बदल सके। पर कैंग ही अपने टीनेज वर्जन को समझाने में कामयाब नहीं हो पाता और उस कैंग को रोकने के लिए नथानियल खुद बन जाता है आयरन लैड और हिस्ट्री की एवेंजर्स टीम को देखते हुए खुद की सुपर हीरो टीम बनाता है और अकेला ऐसे कैंग वेरिएंट से बनके भिड़ जाता है जो कि एक सुपर हीरो होता है।